Hi, my name is Ayazuddin. I am the founder of the Staffing Circle. आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग के बारे में। पोस्ट कोविड पेरेंटिंग एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पर हम सभी को बात करनी चाहिए और पेरेंटिंग का जो रोल होता है, चाहे वो फादर के लिए हो या मदर के लिए हो, ये एक रोल बच्चे के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आप अपने बच्चे को कैसे तरबियत देते हो, कैसे उसकी पर्सनैलिटी, पर्सनल डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देते हो, बच्चे बड़े होने के बाद वैसे ही निखरते हैं और बाहर निकलते हैं। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने बच्चे की स्कूलिंग पर ध्यान दें। स्कूलिंग से मतलब बच्चे के एजुकेशन के ऊपर। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके बच्चे को सारे सब्जेक्ट्स में परफेक्शन होने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे को एक सब्जेक्ट पर महारत हासिल होनी चाहिए, क्योंकि जब आप लाइफ में देखते हो, अपनी खुद की ज़िंदगी की तरफ जब आप देखते हो, तो आपको पता चलेगा कि आप पैसे आपके एक स्किल और टैलेंट से ही कमाते हो। सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपके लिए एक फ्लोटिंग तरीके से ज़रूरी होती है, लेकिन आपको हर सब्जेक्ट में महारत रखने की ज़रूरत नहीं होती। आपको एक ही सब्जेक्ट, एक ही स्किल, एक ही टैलेंट और एबिलिटीज़, ये प्रोफेशनल वर्ल्ड में आपको कामयाब बनाता है। आप कौन सी भी स्किल सीखने दो, टैलेंट रहने दो आपके अंदर, कौन सी भी स्किल, टैलेंट, एबिलिटीज़, चाहे वो क्रिएटिव हो, टेक्निकल हो, फंक्शनल हो, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्किल्स होते हैं जो सिर्फ एक ही महारत से सीखी जा सकती है। उसको हम मल्टीपल स्किल्स में लाकर सीखा नहीं सकते और ना सीख सकते हैं। तो इससे होता ये है कि लोग सही तरीके से बाहर निकल कर नहीं आते, सही तरीके से स्किल, टैलेंट, एबिलिटीज उनकी निकल कर नहीं आती। उनके पास बहुत सारे एरियाज का एक्सपीरियंस होता है जिससे कि उनकी जो स्किल की डिमांड होती है, टैलेंट की डिमांड होती है, वो उतना मार्केट में नहीं होती। अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपको ये ज़रूरी है कि आप जानें, अपने बच्चे को जानें, उसको पर्सनली और एजुकेशनली और प्रोफेशनली जो बनाना चाहते हैं आप, उसको उन एबिलिटीज़ को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको आपको जांचना है, एनालाइज करना है, देखना है, समझना है, फिर उसको आगे लेकर चलना है। देखिए, आप अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे के ऊपर ये चीज़ थोप नहीं सकते। आपको एक बस एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पर बच्चा खुद से सेलेक्ट कर सके अपने सब्जेक्ट्स को, अपने स्किल्स को, अपने काम को। आपको बस उसको सुपरवाइज करना है, सुपरविजन करना है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना है। आपको उसको गाइड करना है और सेफ करना है हार्मफुल चीज़ों से, हार्मफुल कामों से, हार्मफुल एनवायरनमेंट से, जिससे कि एक बच्चे का माइंडसेट ख़राब हो जाता है, थॉट प्रोसेस ख़राब हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर टाइम बच्चे अपने माँ बाप के साथ स्पेंड करते हैं और ज़्यादातर अपने माँ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो एक माँ का इम्पोर्टेंट किरदार होता है। और बच्चे डिफरेंट चीज़ें माँ से अलग सीखते हैं, बाप से अलग सीखते हैं, तो ये दोनों का किरदार एक बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है। हमें चाहिए कि हम अगर हमारे बच्चों की अच्छे फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, तो हमें पहले उसको ग्राउंड लेवल से उठाना होगा, ग्राउंड लेवल से उसको नॉलेज देनी होगी और उसको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर रिलाय होने नहीं देना होगा। आपको होम स्कूलिंग भी करनी है, आपको जांचना भी है कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है, और ये बहुत सारे इंसानों के लिए आसान है ये जांचना कि उसके अंदर स्किल्स, एबिलिटीज़ कौन से वाले हैं। मैकेनिकल स्किल्स है, मोटर स्किल्स है, क्रिएटिव स्किल्स है, न्यूमेरिकल स्किल्स है। आप जब अपने बच्चे से बात करते हैं तो आपको ये पता हो जाता है कि आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, थॉट प्रोसेस, नॉलेज कैसा है। तो आपको याद ये रखना चाहिए कि अपने बच्चों को डेवलप करने के लिए आपको टाइम लगेगा और आपको एक से ज़्यादा रिसोर्सेज की हेल्प लेनी होगी। जैसा कि आपके पास होते हैं
आपके फैमिली डॉक्टर्स, जब किसी की भी तबीयत खराब होती है तो फैमिली डॉक्टर उसको देखते हैं, उनके रिपोर्ट्स करते हैं, और इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वो आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर कभी भी फैमिली में इमरजेंसी आती है तो वो डॉक्टर आके वो सोल्यूशन देता है। वैसे ही आपको आपके बच्चे के लिए करियर काउंसलिंग सर्विसेज लेनी जरूरी होती है, जहाँ पर आपके बच्चे की जो टैलेंट एबिलिटी स्किल्स जो प्रैक्टिस में होती है उनको मद्देनजर रखते हुए आपको सजेशन एंड एडवाइस मिलती है कि आपका बच्चा कौन से सब्जेक्ट में, कौन से एरियाज में, किन चीज़ों में सही तरीके से आगे बढ़ सकता है और उसके लिए ज़रूरी है। आप खुद ही सोच लीजिए, स्कूल वाले अपनी फीस लेकर बच्चे को 9 बजे से 5 बजे तक अपने स्कूल में रखकर आपको छोड़ देते हैं, स्कूलिंग की लाइफ उसको 12-13 साल तक उसको स्कूलिंग की लाइफ देनी है, फिर उसको 3 साल की डिग्री या फिर बैचलर्स के लिए 4 साल देने हैं, मास्टर्स के लिए 2 या 3 साल देने हैं, फिर अगर वो उससे आगे पढ़ना चाहता है तो 20 से 22 साल की लाइफ उसकी एजुकेशन में चली जाती है। लेकिन अगर 20 से 25 साल कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के किसी काम में लगाता है और उसको एक लेटर लिखना नहीं आता, उसको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं, एक इंटरव्यू अटेंड करना नहीं आता है, एक जॉब क्रैक करना नहीं आता है, एक कंप्यूटर हैंडल करना नहीं आता है, टाइप करना नहीं आता है, बैंक में फॉर्म फिल करना नहीं आता है, तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत सारी शेमफुल फीलिंग होती है, एम्बैरेसिंग फीलिंग होती है कि कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में बच्चे ने किया क्या। तो हमारी जो एजुकेशन को लेकर अप्रोच है वो अप्रोच इस तरीके से है कि हमें बस पास होना है, किस भी तरीके से पास होना है, या चीटिंग करके पास होना है, या फिर एग्ज़ाम के 2 दिन पहले रट कर उसको हासिल कर चले जाना है। तो हमारा जो एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया गया है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे लोगों का जो दिमाग और प्रोसेस, जो यूजुअल नॉर्मल लाइफ होती थी, एक प्रोसेस ओरिएंटेड एक लाइफ का जो सेट ऑफ रूल्स होते थे वो पूरे चेंज हो चुके हैं। आज ज़रूरियात में वाईफाई भी हो चुका है, लेकिन जो लाइफ प्रॉपरली जो गुजर रही थी, एक हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप थी, फ्रेंड्स की जो रिलेशनशिप, ब्रदर सिस्टर फैमिली रिलेटिव्स, जो सर्कल की, जो तमाम जो माशरा की रिलेशनशिप थे, ये वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ चुके हैं, जिसमें इंसान एंड इन्फिनिट नॉलेज को प्रोसेस कर रहा है एवरीडे, जो उसके लिए डैमेजफुल हो सकती है, क्योंकि इंसान को उतनी ही नॉलेज ड्राइव करनी है जितनी उसके लिए ज़रूरत है, और उतनी ही चीज़ों को अप्रोच करना है जिन चीज़ों से उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसका थॉट प्रोसेस डेवलप हो सकता है और उसके लिए मददगार हासिल हो सकता है। ये जानना ज़रूरी है कि इल्म, एजुकेशन, नॉलेज अच्छाई भी देता है और बुराई भी देता है, और बुराई की तरफ लेकर भी जाता है। तो आपको अपने बच्चे को इन सभी मुश्किल से, एक जो बात जो होती है उसकी, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, जब जिंदगी के मामला में वो उतरेंगे, ये चीज़ को रियलाइज करेंगे, जब उनके अंदर काबिलियत, स्किल, एबिलिटी जो डेवलप होगी, तो उनको पता चलेगा कि उनके पास में उनके पेरेंट्स ने क्या किया था उनके साथ, जो आज वो लोग यहाँ पर है, ये मामला को अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर सक रहे हैं। लेकिन अगर आप ये प्रॉपर मेंटरशिप नहीं करेंगे, आप उसको गाइड नहीं करेंगे, एक प्रॉपर चैनल्स क्रिएट नहीं करेंगे, वहाँ पर आप बच्चे को किसी डायरेक्शन में भिजा सकते हो, किसी मंजिल की तरफ खींच कर नहीं लेके जा सकते, आपको बस डायरेक्शंस फैसिलिटेट करना है। क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत कठिन होती है, क्योंकि हम जो सोच के काम करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो चीज़ें बदलती हैं, हम बदलते हैं, तो हम एक सेट माइंडसेट से नहीं चल सकते, ये डायनामिक वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। अगर आप कौन से भी अब्रॉड एजुकेशन के प्रोग्राम्स में अगर दाखिला लेना चाहते हैं या फिर अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं, तो आपको बता दिया जाता है कि आप जो ये कोर्स पढ़ रहे हैं इसकी डिमांड तो फिलहाल है, लेकिन हम इसकी कोई गारंटी नहीं देते कि ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद इसको सोर्स और जॉब मिलेगी या फिर एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट एक क्या है, एक स्किल तजुर्बे के साथ अगर आपके पास एक मास्टर्ड स्किल्स है, वो काम के लिए आपको पैसे दिया जाता है, तो वो काम सीखने के लिए, आप अगर अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को देखें और अमेरिकन पीपल को देखें, तो वो एजुकेशन की तरफ मुतवज्जो इसीलिए होते हैं कि उनको उनकी स्किल को और एनहांस करना है और डेवलप करना है। एजुकेशन वो लोग सिर्फ कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेते, स्कूल का नाम नहीं लेते, एजुकेशन के लिए वो लोग सेल्फ एजुकेशन करते हैं, होम एजुकेशन करते हैं, वो टेक्नोलॉजी टूल्स को
अच्छाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, लर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग वही इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं जो उनके लिए जरूरी होती है, मुफीद होती है, फायदेमंद होती है। लेकिन हमारे पास ये हो गया है, टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, प्रोडक्ट्स इतने आ चुके हैं, सॉल्यूशंस इतने आ चुके हैं, लेकिन क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी जीरो हो चुकी है, डाउन हो चुकी है। लोगों के अंदर एक तरीके की यानी कि डिपेंडेंसी क्रिएट हो चुकी है। इनके पास जो एबिलिटी होती थी, जो नेचुरल प्रोसेसिंग एबिलिटी होती थी, जो थॉट प्रोसेस होता था, वो खत्म होता चला जा रहा है। तो आपको अपने बच्चों को 2020 में अगर डेवलप करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको ये चीज करनी जरूरी है कि आप उसको खुद सुपरवाइज करें, आप उसको होम स्कूलिंग करें, आप जो अपनी नेसेसिटीज जो आपकी जिंदगी में आप नहीं कर पाए, नहीं जान पाए, नहीं सोच पाए, वो चीज़ों की तरफ आपको मुतवज्जो करवाना है। आपको सर्टिफिकेट मेडल्स इसके तरफ बच्चों को भगवाना नहीं है, आपको सिर्फ एजुकेशन होता क्या है ये बताना है। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन इंसान को क्या क्या दे सकता है, और एजुकेशन से होता क्या है। आपको बच्चों को सही जिंदगी गुजारने की तालीम देना है, और बच्चों को मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म ओवर द पीरियड ऑफ ये चीज़ें सिखाना है, और आपको एक खुद मशाल राह एक एग्जाम्पल बनना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो बच्चे का होता है वो घर वालों से होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो घर में ही स्पेंड करता है। और जब एक्सटर्नल फैक्टर्स उसकी ज़िंदगी में आना शुरू होते हैं, जैसा कि यूनिवर्सिटीज जाएंगे तो लेक्चरर्स मिलेंगे, प्रोफेसर्स मिलेंगे, फ्रेंड्स बनेंगे, आउट ऑफ द सर्कल दुनिया देखेंगे, लोग आएंगे जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका इन्फ्लुएंस का दायरा बढ़ जाता है, बच्चे का इन्फ्लुएंस का दायरा बढ़ जाता है। तब आपको सुपरविजन और सुपरवाइज ये करना है, ये चीज़ पर ध्यान रखना है कि बच्चा सिर्फ कॉलेज को जाके आ रहा है तो एक्सपेक्ट ये नहीं करना है कि वो एजुकेट हो रहा है, वो कुछ चीज़ें सीख रहा है। कॉलेज की लाइफ के साथ साथ आपको ऐसी चीज़ों के ऊपर उसको ध्यान लगाना है, ऐसी चीज़ें उसको सिखाना है। सॉफ्टवेयर की तरफ अगर आप भिजाना चाहते हैं, आईटी की तरफ अगर आप भिजाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल साइट पर भिजाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट पर भिजाना चाहते हैं, या फिर वोकेशनल स्किल्स डेवलप करवाना चाहते हैं, जॉब ओरिएंटेड स्किल्स डेवलप करवाना चाहते हैं, तो एकेडमिक्स के साथ साथ यानी कि एजुकेशन के साथ साथ कोई भी डिग्री अगर वो कर रहा है तो वो डिग्री के हिसाब से जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसको ज़रूरी है। कॉलेज के कितने भी सारे प्रोग्राम्स रहने दो, प्रोजेक्ट वर्क्स रहने दो, ये काम आने वाले नहीं होते, क्योंकि एनवायरमेंट क्रिएट नहीं होता, एक सिमुलेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे के अंदर ये सोच ये फिकर, ये तालीम, ये नज़रिया अगर रखेंगे तो खुद ही से वो चीज़ पिकअप कर लेगा, और जब वो पिकअप करना शुरू करेगा तो वो एक तरीके की जिम्मेदारी समझना शुरू करेगा दुनिया में। और जब जिम्मेदारी आएगी तो उसको पता चलेगा कि ज़िंदगी कैसे काम करती है, चीज़ें कैसे काम करती है, और उसकी नॉलेज का दायरा बढ़ता चला जाता है। याद रखिए कि ज़िंदगी में हम जो चीज़ परसीव करते हैं, हम जो सोचते हैं कि वो चीज़ रियलिटी है, लेकिन हमारे पास कंप्लीट रियलिटी कभी भी नहीं होती। हमारे पास एक परसेप्शन होता है, एक थॉट होता है कि ऐसा हो सकता है। दुनिया भी जो हम एक्सपीरियंस करते हैं 100% रियलिटी में एक्सपोजर और एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि हमारा दिमाग की जो थॉट प्रोसेस है हमें सोचने पर, हमारे एक्सपीरियंसेस एनवायरमेंट से हमें सोचने लगाता है कि ये चीज़ ऐसी हो सकती है, जब तक कि आप रियलिटी में उसका तजुर्बा ना कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गिलास में पानी रखते हैं तो आपको दिखेगा ये कि वो पानी है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि वो गर्म पानी है या ठंडा पानी है। तो जब आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वो पानी ठंडा था या गर्म था। तो तब इसी को बोलते हैं परसेप्शन ऑफ रियलिटी। तो रियलिटी किसी के पास 100% नहीं होती है, उनको होती है परसेप्शन ऑफ रियलिटी, कि उनको उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें कैसे परसीव करते हैं। आपका काम एजुकेशन से ये है कि आपको मैक्सिमम समझने की ज़रूरत है रियलिटी को, रियलिटी में, रियलिटी के साथ, ताकि आपको पता चले कि वो रियलिटी एग्जिस्टेंस में कैसी है। आप बहुत सारी चीज़ें जो दिमाग से सोचते हैं वो ऐसी तरीके से सोचते हैं जैसा आपको पता है, क्योंकि सिस्टम ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है। लेकिन बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हम जब उसको सही तरीके से जानते हैं, एक नॉलेज अप्रोच, नॉलेजेबल अप्रोच लेते हैं,
एजुकेटिव अप्रोच लेते हैं उसकी तरफ, तो वहां पर आपको पता चलता है डिफरेंटली। तो इसी को बोला जाता है कि आप जो प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन, वो रियलिटी नहीं होती, वो परसेप्शन ऑफ रियलिटी आपके माइंड की तरफ से होती है। लेकिन जब आप वो चीज को एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आप जो सोच रहे थे और उसकी रियलिटी में फर्क आएगा। इसी को बोलते हैं एजुकेशन का काम यही है कि जो हकीकतें आप जानना चाहते हैं, आप जो समझते हैं और रियलिटी क्या है, वो रियलिटी को आप पढ़कर रियल टाइम अप्रोच एनवायरनमेंट क्रिएट करके उस हकीकत तक पहुंचते हैं। इल्म इसी का नाम है। अगर इल्म से आपको कोई चीज का सही तरीके से पता नहीं चला, आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में सही तरीके से कंज्यूम नहीं हुए, आप सही तरीके से ढल नहीं गए, आपके अंदर कोई स्किल टैलेंट एबिलिटी डेवलप नहीं हुई, तो आप ये चीजों को टटोलना शुरू करेंगे, जानना शुरू करेंगे कि आपकी जिंदगी में क्या रॉन्ग हुआ है और आप जिंदगी में कैसा डेवलप हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है आज के जमाने में ना सिर्फ अपना फ्यूचर को देखना बल्कि अपने बच्चों के फ्यूचर को भी देखना जरूरी है। तो उसके लिए डेवलप करने के लिए आपको बच्चे के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट के बाद आपको कोई एक सब्जेक्ट पे मास्टरी लेकर आना है। तो करियर डेवलपमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो वो होता है कि आपका फैमिली बिजनेस संभालना है, दूसरा ये होता है कि आपके घर वाले का इन्फ्लुएंस बच्चे के ऊपर क्या है, जो उस इन्फ्लुएंस से बच्चा बनना चाहता है, या फिर बच्चे के एस्पिरेशंस कुछ और है, कुछ एम्बिशियस बच्चा होने के बावजूद वो करना क्या चाहता है, वो जानने के बाद एज ए पेरेंट आपका काम है उसको फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट करना यानी कि वो जो करना चाहता है उसकी बात को डेवलप करना, उसको वो रास्ता देना ताकि उस रास्ते पर वो चल सके और वो उस हकीकतों को जान सके। जरूरी नहीं है कि बच्चे ने कुछ चाहा करने का और आपको फैसिलिटेट किया और वो फेल हो जाए। फेलियर हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा एक नेगेटिव फैक्टर हमने बना कर रखा है। लेकिन आप अगर कोई भी साइंटिस्ट को उठाकर देखेंगे, कोई भी तजुर्बाती चीज को उठाकर देखेंगे, तो कोई भी उस तजुर्बे में पहली मर्तबा पास नहीं होता, हर कोई फेल होता है। दुनिया में हर चीज जो सीखी गई है, बनाई गई है, डॉक्टर से लेकर इंजीनियर से लेकर आर्किटेक्चर से लेकर कोई भी चीज ले लो, जब इंसान अपने आप को डेवलप करता है, कोई चीज की तरफ मुतवज्जो होता है, तो वो अपने आप में तजुर्बा डेवलप करता है। वो तजुर्बे से सही भी रिजल्ट आते हैं और गलत भी रिजल्ट आते हैं। गलत रिजल्ट्स आएंगे, मल्टीपल टाइम आएंगे और फाइनली वो रिजल्ट सही आ जाएगा। तो आपको फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर से आगे निकलना है और फेलियर को एक्सेप्ट करना है। फेलियर एक टीचिंग होती है, हमें सिखाता है और हमें बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ और रियलिटी से फेस करवाता है जो हम सक्सेस में इमीडिएटली नहीं देख सकते। तो हमें फेलियर से बाहर आना है। और दूसरी चीज़ होती है कंपैरिजन। ये सोसाइटी में एक ऐसी चीज है जो इंसान को जेलेसी में करप्ट कर देती है। आपको अपनी औलाद को किसी की औलाद से कंपेयर करना ही नहीं है, अपनी औलाद को उसी से कंपेयर करिए जो वो कल थे और वो आज है, तभी ये प्रॉपर डेवलपमेंट चैनल डेवलप होगा और आप सही तरीके से अपने बच्चों को एजुकेट कर पाएंगे, समझा सकेंगे, बता सकेंगे, उनको सही दिशा बता सकेंगे, सही राह पर चला सकेंगे। तो इंसान की कामयाबी तीन एरियाज में होती है। लाइफ में जब इंसान डेवलप हो जाता है तो तीन चीजें वो देखता है। एक देखता है पर्सनल डेवलपमेंट, दूसरा देखता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट और तीसरा देखता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इंसान सिर्फ जॉब का नाम नहीं है, इंसान एम्प्लॉयमेंट का नाम नहीं है, इंसान बिजनेस का नाम नहीं है। इंसान होना क्या है ये जानना जरूरी है। इंसान के वैल्यूज क्या होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं, मॉरल्स क्या होते हैं, ये हमें सिखाना है। इंसानियत किस चीज का नाम है, इंसान और जानवर में फर्क क्या होता है, इस तरीके से आपको इंसान को डेवलप करना है, अपने बच्चों को डेवलप करना है, अपने आप को डेवलप करना है और एक मीनिंगफुल लाइफ की तरफ बढ़ना है। जैसा कि इंसान की जैसा मैं बोला कि आप अगर अपने आप को जानना चाहते हैं तो आप अपने नाम को हटाकर, अपने जॉब को हटाकर, अपने स्टेटस को हटाकर, अपने पैसे को हटाकर देखिए कि आप कौन है, हु आर यू। ये जब आप जान जाएंगे कौन है आप, अगर आपका ईगो है आप तो आप एक फेलियर है। ईगो से हटके आपकी आइडेंटिटी क्या है, लोग आपके काम से हटके आपको क्या वैल्यू देते हैं, आपके पैसे से हटके आपकी क्या वैल्यू देते हैं, लोगों की जिंदगी में आपका महत्व क्या है, ये चीजों को देखना है तो एक अच्छी सी सोसाइटी डेवलप होगी, अच्छा सा एनवायरनमेंट डेवलप होगा और अच्छे तरीके से बच्चे बाहर आएंगे और भविष्य की तरफ जाएंगे। जो अपने सुंदर भविष्य की तरफ जाता है ये एनवायरनमेंट से निकलकर, वही जिंदगी में कामयाब होता है।
आप किसी को कामयाब नहीं करवा सकते, कामयाबी के रास्ते आप बता सकते हैं। असल कामयाबी इंसान की वो खुद तलाशता है, और वो कामयाबी की जो घंटी है, वो जो इंस्पिरेशन होता है, जो इंस्पायर्ड थॉट होता है, उसके दिल में आते रहता है, और ये घंटी सभी को जिंदगी भर बजते रहती है जब तक के इंसान खबर में नहीं चला जाता, मर नहीं जाता। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम 2020-21 में हमारे बच्चों को लेकर, अपने आप को लेकर फिर से सोचना चाहिए कि हम पैसे कहाँ डाल रहे हैं, हमारे बच्चों का वक्त कहाँ ख़राब हो रहा है, जो स्किल्स, टैलेंट, एबिलिटीज़ हम उस बच्चे में डेवलप करना चाहते हैं, क्या हम सही तरीके से वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ये वीडियो के माध्यम से मैं यही कहेंगे, जो अपने सुंदर भविष्य की तरफ जाता है ये एनवायरनमेंट से निकलकर, वही जिंदगी में कामयाब होता है। आप किसी को कामयाब नहीं करवा सकते, कामयाबी के रास्ते आप बता सकते हैं। असल कामयाबी इंसान की वो